2017 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो पूर्वांचल की कुल 130 में से 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। 4 सीटें सुभासपा ने हासिल की थी, यानी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी है, अनुप्रिया पटेल का अपना दल है। और ऐसे में इसके इतर अगर देखा जाए, 4 दिन तक नरेंद्र मोदी इसी पूर्वांचल में रहेंगे, यहां पर रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। के राज में क्या कुछ नहीं हुआ, याद कीजिए मेरे भाइयों बहनों, इन गौर परिवारवादियों ने हमारे दलित भाई बहनों की बस्तियां जलाई थी कि नहीं जलाई थी? जौनपुर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से फेंक करके नदियां पार भेज देंगे। पूर्वांचल में माफिया पर महाभारत। भूले नहीं है वो दौर जब हमारे होनहार साथी कृष्णराज राय जी की गोलियों से छलनी कर दिया गया था। सपा पर भाजपा का घुटना अटैक। दंगों के दौरान खुली जीप में घूमने वाले आज घुटनों पर है दोस्तों। सातवें दौर की लड़ाई मुख्तार के नाम पर आई। कुछ वर्ष पहले एक माफिया यही मऊ के अंदर कैसे राम भक्तों को और हिंदुओं को रौंद रहा था, हिंदू भक्तों को गोली चला रहा था, कार की बोनट पर बैठ करके असला लहरा रहा था और उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार कीड़े की तरह रेंग रही थी। और आज आप देख रहे होंगे, आज सरकार दमदार तरीके से जनता की सेवा कर रही है और माफिया कीड़े की तरह रेंगता है। डबल इंजन पर डबल संग्राम। ये डबल इंजन वाली सरकार नहीं है, ये डबल इंजन वाली सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार। और इंजन का मतलब काले पोतने वाली सरकार है। परिवारवादी सरकारों ने ठान रखा था कि गाजीपुर में विकास नहीं होने देना है, लेकिन हमने भी ठान करके रखा था, हमने ये ठान कर काम किया कि गाजीपुर के लोगों की सेवा करनी है, सेवा करके रहेंगे। गाजीपुर मऊ से चंदौली जौनपुर तक प्रचार की आंधी। आपको बताना आया हूं, 5 चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ। इस बार लगता है बदलापुर के लोगों ने अपने वोट से बदला लेने का फैसला ले लिया है। चुनावी मैदान से बाहुबलियों को आखिरी वार्निंग। और 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश से योगी जी ने माफियाओं का सफाया करने का काम कराया। बुलडोजर वाला बोलती बंद अल्टीमेटम। देखो, बुलडोजर बोलता नहीं है लेकिन बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। बात तो चुभेगी।